हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अंगूर की चटनी। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए। 100 ग्राम अंगूर, 4 से 4 चम्मच चीनी, 2 से 4 चम्मच सिंथेटिक सिरका, नींबू का छिलका कद्दूकस किया हुआ, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, लौंग और दालचीनी का पाउडर, बादाम लंबे कटे हुए और 2 से 4 खजूर लंबे कटे हुए। अब हम सबसे पहले कढ़ाई गरम करते हैं और उसमें आधे कटे हुए अंगूर मिलाते हैं। इसी के साथ 2 से 2.5 चम्मच सिंथेटिक सिरका। अंगूर हमारे आधे कटे हुए होने चाहिए। इसको अच्छे से चला दीजिए। देखिए, अंगूर नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। पहले लौंग और दालचीनी का पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, नींबू का छिलका अभी नहीं मिलाएंगे। इसी के साथ ही हम चीनी भी इसमें मिलाएंगे। आप गुड़ और शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी हम अपने स्वाद के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको पकने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाकर इसको ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। दो मिनट बाद देखिए, चटनी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। अंगूर भी हमारे लगभग गल गए हैं। अब हम इसमें नींबू का छिलका मिलाएंगे, खजूर और बादाम भी डाल देंगे। इनको मिला के 1 मिनट के लिए फिर हम ढककर अच्छे से पकाएंगे। अब ये देखिए, हमारी चटनी पूरी तरह तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसको अब हम गैस बंद कर देंगे और अपनी सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और हमारी ये स्वादिष्ट अंगूर की चटनी तैयार है।